नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहसान उल हक और इम्तियाज आलम को सीबीआई लेते गई है अपने साथ। आपको बता दे एक मीडिया समूह के दो कर्मियों को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दे कि उन्हें छोड़ दिया गया है फिलहाल सीसीएल के चरही गेस्ट हाउस में। पूछताछ के बाद सभी को लेते गई है सीबीआई की टीम पटना। सीबीआई टीम ने दो ट्रॉली बैग और एक बक्से में साक्ष्य और दस्तावेज भी लेते गई है अपने साथ। आपको बता दें प्रिंसिपल एहसान उल हक से सीबीआई कर चुकी है अब तक 60 घंटों तक पूछताछ। 3 मई को एहसान के स्कूल छोड़ रामगढ़ की चुटपाली जाने पर बना हुआ है सस्पेंस। और इस पर अधिक बात करने के लिए हजारीबाग से हमारे संवाददाता सोनू केशरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू जी, जिस तरीके से दो गिरफ्तारी हुई है और ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, अब यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हजारीबाग जो है नीट पेपर लीक का जो है हब बन चुका है और दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है बड़ी कार्रवाई करते हुए। जी हाँ, ये आपने ठीक कहा। हजारीबाग नीट प्रश्न पत्र में कल तीसरे दिन कड़ाई से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और एक हमारे पत्रकार हैं जमालुद्दीन, जिन्हें फिलहाल सीबीआई की टीम घटना पूछताछ को ले घटना को लेकर अपने साथ लेकर गई है। अब देखना इसमें कुछ खास होगा कि क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। जी जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही है, 5 राज्यों से तकरीबन 27 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, और जिसका सीधा तार और हम कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु जो है वो हजारीबाग रहा है और हजारीबाग पे पूरा फोकस किया गया। हालांकि अब जो है सीबीआई की टीम उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ पटना ले गई है। जी हाँ, यह आपने ठीक कहा, पटना ही लेकर गई है। अब देखिए कड़ाई से पूछताछ के बाद शायद कुछ मामला कुछ खास निकल कर आ पाता होगा। जी जी सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और इसे स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों को गिरफ्तार कर अपने साथ पटना ले गई है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल से तकरीबन 60 घंटे तक पूछताछ की गई है 3 दिनों के अंदर।